हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप अगर आप सिलचर से हो तो आप सबको पता ही होगा, हाय इतनी गर्मी। रात को तीन तीन बार मैंने नहाया लेकिन फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिली, सो भी नहीं पाए। तो मैं कुछ देर पहले बाहर आ गई। अभी आप देख सकते हो सुबह के 4:15 हुए होंगे और साफ हो चुका है। और हम सिलचर वालों का अलग ही लेवल का प्रॉब्लम है। रात भर बारिश होती है तो रास्ते भर पानी भर जाता है, और ना हो तो ये हालत हो जाता है, नींद उड़ जाती है। अब हम करे भी तो करे क्या, भगवान से मांगे भी तो मांगे क्या, और भगवान भी बेचारे क्या करे। तो आज का दिन बहुत टफ होने वाला है, स्पेशली इन बर्ड्स के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और उन्हें पानी की सख्त जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए उनके लिए आज पानी का कोई व्यवस्था करते हैं। क्योंकि 5 बजे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कर लिया है घरेलू जुगाड़। इसी में मैं पानी रखूंगी, पर ऐसे तो रखा नहीं जा सकता, तो इसे थोड़ा ठीक करते हैं और फिर पानी रखते हैं ताकि बर्ड्स इसमें आसानी से आकर पानी पी सके। फाइनली मैंने इसे 2 पार्ट में कट कर दिया है। अगर मैं कोई अच्छी सी आर्टिस्ट होती तो शायद मैं इस पे पेंट भी करती, लेकिन अभी मुझे सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी है, तो पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए इसे अब इसमें पानी डालकर अभी इन्हें अच्छी जगह पर रखते हैं ताकि पंछियों की थोड़ी हेल्प हो जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ हमारे छत पर, जो एकदम छोटा मोटा सा है, और वहीं पर कहीं अच्छी जगह ढूंढ कर इसे मैं रख दूंगी। और यहाँ से आप देख सकते हो सुबह का प्यारा नज़ारा। उधर सूरज मामा कहर बरसाने की तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ पर कहर से बचने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे बर्ड्स बैठे हैं। हमारे यहाँ पर यही मजा है, थोड़ी देर बाहर बैठो तो तरह तरह के पंछी दिख जाते हैं। 2-3 साल पहले तक मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब बात थोड़ी बदल गई है। अब सिर्फ बिल्डिंग्स, टावर्स ये सब ही दिखाई देते हैं और बेचारे पंछियों को रहने की जगह भी नहीं है। दोस्तों कैसी भी हो मैंने ये लगा दिया है, अब इसमें मैं पानी डालूंगी और फिर ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसमें पानी डाल के देखते हैं कि पानी यहाँ पर टिकता है कि नहीं या नीचे गिर जाता है। दोस्तों यहाँ पर पानी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बर्ड्स के लिए काफी होंगे और मैं तो हूँ ही, रिफिल करती रहूंगी। तो ये काम तो पहला काम हो गया, अभी चलती हूँ दूसरे वाले पर। ये जगह भी काफी अच्छी है, मुझे लगता है ये देखिए यहाँ पर तो इनका डेरा है। तो मैं ज्यादा अगर मेहनत ना करना चाहूँ तो मैं एक काम कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ। मैंने पानी दिया भी नहीं, पर वो लोग यहाँ पर पहले से ही आ गए, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं पानी रख सकती हूँ और कई सारे बोतल यहाँ पर रख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने, मुझे कोई तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर पानी लाते हैं। सच बताओ मैं यहाँ पर कभी नहीं गई हूँ, जिंदगी में पहली बार मैं इस जगह पर पहुंची हूँ और ये जगह काफी स्कैरी है। खैर मैंने पानी डाल दिया है तो मेरा काम खत्म। तो एक काम तो मैंने कर दिया है, अब है इनकी बारी। इनकी हालत बहुत ही खराब है, तो चलिए अब इनको थोड़ा पानी पिलाते हैं। तो फाइनली पंछियों के लिए पानी का जुगाड़ करके और पौधों को पानी देके मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ है, लेकिन मुझे भी तो इस गर्मी से जूझना है। तो चलिए अब खुद के लिए कुछ करते हैं। दोस्तों अभी सुबह के बस 6 बजे है और मैंने अभी रोटी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर टिकना मुश्किल होगा। तो जितना जल्दी किचन का काम खत्म हो सके वो करके मुझे यहाँ से निकलना है। मम्मी ने
लंच का प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर दिया है, मैं बस अभी रोटी बना रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट भी डन हो जाएगा और फिर तपती धूप में हमें किचन में नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों खाना बनाना तो हो गया, अभी बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि पूरा दिन ठंडा पानी पी सकूँ। और पानी के साथ साथ बोतल में थोड़ा नींबू पानी बना के रख देती हूँ क्योंकि गर्मियों में नींबू पानी का अलग ही मजा है। वैसे तो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़े गमले में पानी लेके बनाते हैं, लेकिन बोतल में शॉर्टकट नींबू पानी बनाना ये मेरा टेक्निक है। तो बस हीट को बीट करने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब बस इन्हें फ्रिज में डालना है और ठंडा होने का वेट करना है। तो एज यू कैन सी इट्स 7:00 इन द मॉर्निंग और अभी से सूरज ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है और मजे की बात ये है हमने भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। तो सुबह सुबह मेरा सारा काम खत्म हो गया है, अभी मुझे बस नहाना है और फिर पूरा दिन रेस्ट करना है, पानी पीना है, हवा में बैठना है। भगवान करे इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो तो थोड़ा शांति मिलेगा और भगवान की मर्जी हुई तो बारिश भी आ सकती है जिससे हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। तो आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिएगा, अगर धूप में आप निकलो तो छतरी का यूज जरूर कीजिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर इससे पहले आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। See you in next video. Stay tuned. Bye-bye.